हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसका टॉपिक है स्क्रीन पेनिंग सेट कैसे करें। और फ्रेंड्स, ऐसे ऑन इस प्रकार से करते हैं, ऐसे होम करेंगे और आप किस पे स्क्रीन पेनिंग सेट करना चाहेंगे वो चूज़ करेंगे। एंड जैसे कि आपको इस पे सेट करना है, इस पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है बॉक्स टाइप का। और इसके बाद आपको यहाँ सभी ऐप आएंगे, तो इनमें आपको एक गोल सर्कल टाइप का दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रीन पेनिंग का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करें एंड इसके बाद यहाँ देख सकते हैं इसको हटाने के लिए क्या यूज़ करना होगा। और इसे हटाने के लिए टू फिंगर को बैक वाला बटन और इस वाले बटन पर एक साथ रखना होगा, तब आपका हट जाएगा। एंड इस पर क्लिक कर देंगे और आपका देख सकते हैं यहाँ पे एक ही ऐप के अलावा आप कोई सा भी ऐप नहीं चला सकते, ना ही से होम कर सकते हैं। एंड इन्हें कैसे हटाएंगे, इसके लिए आपको स्क्रीन को इस प्रकार से प्रेस करके रखेंगे दो उंगली को, एंड आपको हट जाएगा। तो ऐसे आप भी ऐसा ही चाहते हैं स्क्रीन पेनिंग सेट करना, तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे पास LG W41 है। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है एंड इसके बाद आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और मतलब इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ देखिए एडवांस का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद इस प्रकार से स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ देखिए स्क्रीन पेनिंग, आपको उस पर क्लिक करना है और इसे ऑन करके रखें। इस प्रकार से ऑफ होता है, ऑफ करने से आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी इधर, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे एंड तभी इसका यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक की तरह ही होता है। एंड इस प्रकार से ऑन करके रखें और इसे होम करेंगे। और स्क्रीन पिनिंग आप किस ऐप पर लगा के देना चाहते हैं किसी और को, तो इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब ना चलाए हो बच्चा, तो इस प्रकार से किसी पे भी आप लगा सकते हैं। तो इनमें से मैं इस बार कैलकुलेटर ले लेती हूँ एंड इसके बाद कैलेंडर ले लेती हूँ और उसके बाद इसे होम करेंगे। और इन्हें सेट करने इसके बाद इसे होम करने के बाद आप इसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखेंगे सभी ऐप, आप किस पर लगाना चाहेंगे चूज़ कर लें। एंड इनमें से मैं प्ले स्टोर नहीं, आपको सेटिंग को एंड मैं इस पर लगा के दिखा देती हूँ आपको फिर से। एंड इसके लिए आपको यहाँ देखिएगा सर्कल टाइप का, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको यहाँ ही पर आपको देखिए पेनिंग का ऑप्शन इंजेक्शन टाइप का है, तो इसे ऑन करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। उसे हटाने के लिए इसे इन्फॉर्मेशन भरना होगा। उसे हटाने के लिए आपको बैक जो बैक बटन है और ये वाला बटन एक साथ प्रेस करके रखना होगा, और उसके बाद आपका हट जाएगा। और इसे इस पर क्लिक कर देंगे और आपको सेट हो चुका है। और देख सकते हैं आपको बैक नहीं हो रहा, कुछ ही नहीं होगा आपसे, तो यहाँ देख सकते हैं और वो हटेगा भी नहीं। और इसे हटाने के लिए आपको मतलब टू फिंगर को एक बैक बटन पर एक वाले बटन पर एक साथ रखेंगे इस प्रकार से, और आपका हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन पेनिंग को हटा सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। और इन्हें ऑफ़ करने के लिए सेटिंग स्क्रीन पेनिंग को ऑफ करेंगे, सेटिंग को ओपन करेंगे एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे, एडवांस पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पेनिंग को इस प्रकार इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑफ़ कर दें, क्योंकि ऑफ़ कर देंगे तभी आपका सही रहेगा। और इसके बाद इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन पेनिंग का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।